दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के मैं बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फ़ोन पे से अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड को लिंक कर रहे हैं, इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, और आपका जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, लिंक नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है। जैसे यहाँ पे पेमेंट फेल्ड, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है, पेमेंट आप 2 रुपीज़ हैज़ बीन फेल्ड। और जैसे यहाँ पे लिखेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे नॉट राइट, यहाँ पे प्लीज़ ट्राई अगेन इन सम टाइम। अगर गाइस आप कई तरीके से प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है अपने ATM या डेबिट कार्ड को अपने फ़ोन पे से लिंक कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अगर इस अपने ATM कार्ड को अपने फोन पे से आप जोड़ रहे हैं, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम भी करके आ रहा है, तो अपनी इस प्रॉब्लम को आप 2 मिनट में ठीक कैसे करेंगे, 2 मिनट में आप फिक्स कैसे करेंगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं, करके दिखाने वाले हैं कि अपनी इस प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइस आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, तभी गाइस आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे। इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को आपको यहां से डिलीट कर देना है। तो जैसे अपने फोन पे एप्लीकेशन को आप यहां से डिलीट कर देंगे, उसके बाद गाइस आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको फोन पे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। तो जैसे आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, तो चलिए गाइस जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस तरीके से गाइस आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। जैसे गाइस हम पे सर्च कर रहे हैं, आप डायरेक्टली इस तरीके से प्ले स्टोर पे पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से फोन पे एप्लीकेशन को अपने फोन में आपको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे आप यहां से अपने फोन पे एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेंगे, तो गाइस आपको जो एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइनली गाइस मेरा जो फोन पे एप्लीकेशन है पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में गाइस यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ओपन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फोन पे एप्लीकेशन है यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब गाइस आपका फोन पे एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल देना। गाइस आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो गाइस आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको अपना मोबाइल नंबर सिक्योरली आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस अब आपके मोबाइल नंबर एक OTP जाएगा, OTP नहीं जा रहा है तो पासवर्ड मांग रहा है। तो गाइस आपको अपना पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको जो फोन पे अकाउंट है यहां से बन चुका है। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशंस को अलाउ करना है। परमिशंस को अलाउ करने के बाद में सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस, अब आपको अगर गाइस आपके फोन पे एप्लीकेशन में आपका बैंक अकाउंट ऐड है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट को डिलीट कर देना। तो गाइस जैसे आप यहां से नीचे आएंगे, आप रिमूव या फिर अनलिंक बैंक अकाउंट पे जैसे क्लिक कर देंगे, तो आपको जो बैंक अकाउंट है से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आपका जो बैंक अकाउंट आपके फोन पे एप्लीकेशन में लिंक था, ऐड था, आपने उस बैंक अकाउंट को लिंक कर लेना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको जो मोबाइल नंबर आपके बैंक से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे एप्लीकेशन से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा, सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आपको डन पे क्लिक करना। डन पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली गाइस आपको यहाँ पे व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको सिंपली यहाँ पे गाइस ऐड कार्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐसे ऐड कार्ड पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आप अपने जिस ATM डेबिट कार्ड को अपने फोन पे एप्लीकेशन में लिंक कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था, गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ATM डेबिट कार्ड नंबर को आपको वहाँ पे डाल देना है। तो चलिए गाइस हम क्या करेंगे, अपने ATM डेबिट कार्ड का नंबर पे फिलअप कर देंगे। तो फाइनली गाइस हमसे क्या कि अपने ATM कार्ड डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल डाल दें। डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो कि जैसे आप नीचे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो गाइस आपके ATM डेबिट कार्ड से वो जो मोबाइल नंबर लिंक है, जो नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो देख सकते हैं प्रोसेसिंग यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन, तो आपको सिंपली वेट करना पड़ेगा। और गाइस आपके उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको उस OTP को आपको पे डाल देना है। तो चलिए गाइस हमसे क्या करेंगे, उस OTP को हम पे डाल देंगे। तो फाइनली गाइस हमसे क्या किया, OTP पे डाल दिया। OTP डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंफर्म पे पे क्लिक करना। तो गाइस जैसे आप कंफर्म पे पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस आपके अकाउंट से 2 रुपये कट जाएगा। उसके बाद गाइस आपको जो पैसा है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा। तो आपको सिंपली कंफर्म पे पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, तो गाइस आपका यहाँ पे कार्ड जो है आपके फोन पे एप्लीकेशन से लिंक हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देख सकते मेरा जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा जो कार्ड यहाँ पे लिंक हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है और मेरा जो कार्ड है मेरे फोन पे एप्लीकेशन से इस तरीके से लिंक हो चुका है। सो गाइस अगर आप भी ATM डेबिट कार्ड आपके फोन पे एप्लीकेशन से लिंक नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है, तो गाइस इस तरीके से गाइस अपनी इस प्रॉब्लम को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप फिक्स कर सकते हैं। अगर गाइस आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।